ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। भारी भरकम तैयारियों के साथ यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की वार्षिक महापरीक्षाएं 6 फरवरी से प्रारंभ हो रही हैं। पहले दिन हाईस्कूल के परीक्षार्थी गृह विज्ञान की परीक्षा देंगे, जबकि 12वीं का श्री गणेश हिंदी विषय से हो रहा है। आजमगढ़ में नकल विहीन परीक्षा कराना ही सबसे बड़ी चुनौती होती है। हालांकि शासन के कड़े निर्देश के बाद आजमगढ़ के शिक्षा विभाग के साथ पुलिस व प्रशासन के आला अफसरों ने नकल रोकने के काफी चुस्त दुरुस्त इंतजाम कर लिए हैं। पुलिस कप्तान अजय कुमार साहनी ने एबीसी चैनल को बताया कि परीक्षा केंद्र पर छात्र हो या कक्षा निरीक्षक, सभी के लिए मोबाइल पर पूरी तरह प्रतिबंध है। इसके अलावा परीक्षा के दौरान आसपास की फोटो स्टेट दुकानें बंद रखने का निर्देश भी दिया गया है। पुलिस प्रशासन तैयार है, हम नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराएंगे। जनपद में बोर्ड परीक्षा कल से प्रारंभ हो रही है। पूरे जिले में 317 सेंटर हैं, जिनको 50 सेक्टर में बांटा गया है। सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ साथ सेक्टर पुलिस ऑफिसर लगाए गए हैं। 8 तहसीलें हैं, तहसीलवार एक क्षेत्राधिकारी की नियुक्ति की गई है, जो वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था देखेंगे। सभी परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरे लगवाए गए हैं। इसके अलावा 6 फ्लाइंग स्क्वाड जनपद में बनाई गई है, जो कहीं भी आकस्मिक रेड करेगी। 36 सेंटर ऐसे हैं जिनको सेंसिटिव या हाइपर सेंसिटिव माना गया है, उन सेक्टर पर अलग से व्यवस्था की गई है। परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र से 100 मीटर के दूर फोटोकॉपी जिराज की जो भी मशीनें हैं, वो सब बंद रखने के निर्देश किए जा रहे हैं। इसके साथ ही मोबाइल, चाहे वो छात्र हों चाहे शिक्षक हों, उनके द्वारा केंद्र पर लाना बैन है। इस तरह से पूरी मुकम्मल तैयारियां जनपद में कर ली गई हैं और हम लोग स्वच्छतापूर्ण परीक्षा संपन्न कराएंगे आजमगढ़ में। हम आपको बता दें कि आजमगढ़ जनपद में इस बार 10वीं व 12वीं के परीक्षार्थियों में 10वीं के 149,166 अभ्यर्थी तो 12वीं के 113,562 छात्र छात्राएं बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। तैयारियों के बाबत जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर BK शर्मा से बात की गई तो उनका कहना था कि जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह के नेतृत्व में सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 50 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। इसके अलावा नकल रोकने के लिए सभी सेंटरों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं। जिलाधिकारी के निर्देश पर सभी सेंटरों पर CCTV कैमरे भी लग गए हैं। ये बोर्ड की परीक्षा माध्यमिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद उत्तर प्रदेश की बोर्ड एग्जाम 6 फरवरी से लेकर के 12 मार्च तक संपन्न होंगी और कल से परीक्षा शुरू हो रही है। प्रथम पाली की जो परीक्षा है वह 7:30 बजे से लेकर 10:45 बजे तक होगी और द्वितीय पाली की जो परीक्षा है वो 2 बजे से लेकर के 5:15 बजे तक होगी। और हमारी सारी व्यवस्थाएं कंप्लीट हो चुकी हैं और हम लोग अब पारदर्शी तरीके से नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए DM साहब के निर्देशन में पूरी तरह से हम लोगों ने तैयारी कर ली है। शासनादेश DM साहब के आदेश पर और 29 जनवरी को जो मीटिंग हुई थी उसका परिणाम अच्छा रहा है कि एक दो कॉलेज जिन्होंने या तो CCTV कैमरा नहीं लगाया था या आंशिक लगाया था, उन्होंने हर कमरों में CCTV कैमरा लगवा लिया है। और अब इस बारे में जो लिखित सूचना है और मैंने परीक्षण भी कराया था, जाँच भी कराई थी, तो हर जगह, हर केंद्र पर, हर कमरे में CCTV कैमरा लग चुका है। और यही नहीं, DM साहब ने एक कमेटी गठित कर दिया है कि जो NIC होता है, NIC राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, यहाँ पे DIO साहब के निर्देशन में एक टीम गठित है जिसमें मैं भी हूँ, DIO साहब हैं और कंप्यूटर के एक्सपर्ट हैं, जो किसी भी परीक्षा केंद्र का, किसी भी कमरे का, किसी भी तिथि की परीक्षा का CCTV फुटेज मंगाएंगे रैंडम आधार पर और उसका परीक्षण करेंगे कि वो लगातार चला कि नहीं चला CCTV कैमरा, और अगर चला तो जो परीक्षा अवधि है उसमें क्या व्यवस्था रही, किस तरह से परीक्षा कराई गई। तो इसके लिए भी सेल गठित कर दिया गया है और वो जो सेल है आपका, वो DIO साहब का जो NIC कार्यालय, उसमें गठित हो चुका है।
इस बार योगी सरकार के नकल विरोधी तेवर से आजमगढ़ के नकल माफिया खासे परेशान हैं। हालांकि पहले दिन तो होम साइंस और हिंदी जैसे आसान विषय हैं, लेकिन आगे चलकर मुश्किल बढ़ सकती है। डीआईओ श्री शर्मा बताते हैं कि 7 सचल दस्ते लगाए गए हैं। इसके अलावा एलआईयू और एसटीएफ भी बोर्ड परीक्षा पर नजर रखेगी। जो सचल दल है, 7 सचल दल बनाए गए हैं, शिक्षा विभाग के उसमें अधिकारी लोग हैं। 7 टीमें हैं तो वो 7 क्षेत्रों में रहेंगी, 7 जोन, 7 सेक्टर में रहेंगी, ताकि हम लोग पूरा जनपद कवर कर सकें कि परीक्षा का क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है। तो 7 सचल दल शिक्षा विभाग का, और डीएम साहब आज पुनः मीटिंग ले रहे हैं जो डेवलपमेंट की, उसमें सर से बात हुई थी। तो मुझे लगता है सर उसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट को भी निर्देश देंगे कि अपने सेक्टर में लगातार चक्रमण करेंगे, और जो भी फीडबैक है वो डीएम साहब को, मुझे और मेरे कंट्रोल रूम को देंगे। ये कुल 9 अति संवेदनशील हाइपर सेंसिटिव परीक्षा केंद्र हैं और 29 सेंसिटिव हैं, तो कुल मिलाकर 38 जो परीक्षा केंद्र हैं वो अति संवेदनशील और संवेदनशील हैं। इन 38 की सूची डीएम साहब को भी, जैसा कि मुख्य सचिव महोदय का आदेश था, दी जा चुकी है एलआईयू के लिए, और एलआईयू भी नज़र रखेगी पूरे जनपद के परीक्षा केंद्र पर। और स्पेशल टास्क फोर्स जो एसटीएफ है, उसकी भी सूची एसएसपी साहब को दी जा चुकी है, और सुरक्षा के बारे में और गोपनीय कार्रवाई के बारे में ये जनपद के 2 आला अधिकारी अपना काम करेंगे, और मैं उनके अधीन और उनके आदेश में काम करूंगा। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कल्याण मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। सोमवार को जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने कलेक्ट्रेट भवन के सभागार में विकास कार्यों की मासिक समीक्षा की। बैठक के दौरान निर्माण कार्यों में तेजी लाने व शासकीय योजनाओं का लाभ अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के उन्होंने निर्देश दिए। आवास योजना, स्वच्छता मिशन, शौचालय, कुपोषण, बिजली व सामूहिक विवाह योजना के कार्यक्रमों को प्राथमिकतापूर्वक लेकर चलने के उनके द्वारा निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने समस्त ब्लॉकों में एक एक चारागाह 5 एकड़ की भूमि पर बनवाना सुनिश्चित करने के निर्देश समस्त खंड विकास अधिकारियों को दिए। साथ ही 80 कुपोषित युक्त गांवों को गोद लेने वाले संबंधित अधिकारियों को उन गांवों में राशन, पुष्टाहार, स्वच्छता, शौचालय के कार्यों को पूरी गंभीरता से पूरा करने के उनके द्वारा निर्देश दिए गए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक सिंह सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कल्याण मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। हाल के कुछ महीनों में कई बड़े अपराधियों को आजमगढ़ पुलिस ने यमराज के पास भेज दिया, तो कुछ को आधे रास्ते तक। जेल की सलाखों तक पहुंच चुके अपराधी भयभीत हैं कि बाहर निकलें या नहीं। ताबड़तोड़ एनकाउंटर के बाद अब क्राइम कंट्रोल की स्थिति बन रही है। हालांकि अभी भी मुस्तैद रहने का निर्देश ही पुलिस को मिला है। सोमवार को पुलिस लाइन परिसर में अपराध समीक्षा बैठक हुई, जिसमें जिले भर के थाना प्रभारियों और क्षेत्राधिकारियों को बुलाया गया था। जिन थानों में अपराध का ग्राफ गिरा है उनकी पीठ थपथपाई गई, बाकी को सुधार का निर्देश भी मिला। इस बैठक में पुलिस अधीक्षक अजय कुमार साहनी के अलावा एसपी ग्रामीण नरेंद्र प्रताप सिंह सहित पुलिस विभाग के कई उच्चाधिकारी भी मौजूद रहे। पुलिस कप्तान ने पैदल गश्त फिर शुरू करने का निर्देश दिया, तो पासपोर्ट आवेदन में सही रिपोर्ट लगाने की
विधिवत समीक्षा भी हुई। एबीसी चैनल से हुई बातचीत में पुलिस अधीक्षक अजय कुमार साहनी ने कहा कि हाँ, जिले की पुलिस अपराध नियंत्रण पर अच्छा काम कर रही है और बेहतर क्या हो सकता है इसकी चर्चा भी बैठक में की जा रही है। मासिक क्राइम समीक्षा हो रही है जो हर महीने होती है, उसी संबंध में जनपद के सभी थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी और एडिशनल एसपी साहिबान हम लोग एक साथ बैठ के समीक्षा कर रहे हैं अपराधों में किस स्तर तक और कार्रवाई करने की ज़रूरत है, उसी संबंध में पूरी मीटिंग चल रही है। दिशा निर्देश यह है कि पिछले कुछ महीनों में अपराध पे बहुत अच्छा काम इन लोगों ने किया है, इसके लिए पूरी टीम को बधाई दी गई है और उसको और बेहतर करने के लिए क्या किया जा सकते हैं उस पर हम लोग। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं, आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कल्याण मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। कहते हैं भगवान कण कण में हैं लेकिन दिखते कम हैं, तो 6 फरवरी को शहर के बड़ा गणेश मंदिर आइए, यहाँ कलाकारों ने कला और भावों की ऐसी दुनिया सजाई है जहाँ चहुओं भगवान श्री गणेश दिखाई देंगे। जी हाँ, 6 फरवरी से 8 फरवरी तक शहर के लाल डिग्गी बांध स्थित बड़ा गणेश मंदिर पर शुभ के देवता भगवान गणेश के विविध रूपों की पेंटिंग प्रदर्शनी लगेगी। आयोजक संस्था के प्रमुख पदाधिकारी सिद्धार्थ सिंह के साथ अन्य लोगों ने सोमवार को मंदिर परिसर पहुंचकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया। संयोजक डॉ. लीना मिश्रा ने बताया कि प्रदर्शनी कई मायने में खास है। इसका शुभारंभ 6 फरवरी को डीआईजी विजय भूषण के हाथों होगा, जबकि समापन 8 फरवरी को आकांक्षा समिति की अध्यक्षा अंजना सिंह सेंगर द्वारा पुरस्कार वितरण से होना है। गणेश जी के अनंत रूपों के आधार पर मैंने इस चित्रकला प्रदर्शनी का नाम रखा है, जिसमें हम टारगेट लेके चले थे 108 गणेशा पेंटिंग का और आज लगते लगते 115 पेंटिंग की यहाँ प्रदर्शनी लगेगी। 6 फरवरी को डीआईजी सर इसका उद्घाटन करेंगे। तीनों दिन 6, 7, 8 प्रतिदिन 3 बजे से 7 बजे तक अवलोकन के लिए सभी के लिए ये प्रदर्शनी खुली रहेगी और 8 फरवरी को आकांक्षा समिति की अध्यक्ष श्रीमती अंजना सिंह सेंगर मैम इसका पर उनके हाथों पुरस्कार वितरण किया जाएगा और सभी सम्माननीय लोग यहां उपस्थित रहेंगे। साधारण रूप में भक्त पुष्प लेकर पहुंचते हैं या हम अगरबत्ती दिखा के प्रसाद चढ़ाते हैं। कला के तौर पे मेरा ये था कि हमें जो ईश्वर ने गुण दिया है, हम अपने हुनर को इस रूप में प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। ये प्रदर्शनी उनके एक तरह से प्रसाद के रूप में है। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं, आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कल्याण मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। ग्राम रोजगार सेवक 18 महीने से मानदेय नहीं पा रहे हैं। जो बजट आ रहा है उसी बजट से बाकी लोग तो पैसा ले ले रहे हैं, जबकि इन्हें अफसरों द्वारा आश्वासन की घुट्टी पिलाई जा रही है। धैर्य जवाब देने लगा तो सोमवार को जिले भर के रोजगार सेवक जिला मुख्यालय पहुंचे और विकास भवन के बाहर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। नारेबाजी कर सेवकों ने बकाया मानदेय मांगा। संगठन के जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह ने बताया कि मेहनत से काम करने का यही सिला मिला है। रोजगार सेवकों के परिवार भुखमरी के शिकार हैं,
18 महीने का मानदेय बकाया है। यहाँ तक कि प्रमुख सचिव को ज्ञापन भी भेजा गया था, लेकिन जिले के अफसर ही हीला हवाली कर रहे हैं। बकाया मानदेय कर्मचारी भविष्य निधि और डबटेलिंग के संदर्भ में ये धरना का कार्य कर रहे हैं। जिस मद से, प्रशासनिक मद से हमको मानदेय लेना है, उसी में टीए भी हैं, उसी में एपीओ भी हैं, अकाउंटेंट कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, सारे के सारे लोगों का मानदेय आसानी से लोग ब्लॉक की मिली भगत से, बीडीओ के और एपीओ अपने में मिली भगत से सारे मानदेय ले रहे हैं। और हम लोगों के 18 से 20 माह तक के मानदेय बाकी हैं। भुखमरी की स्थिति हो गई है, भूखा हैं, भूखे व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तत्पर रहता है। और हम अपने मांग के समर्थन में यहाँ पे जनपद स्तर पर धरना करने आए हैं। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कल्याण मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। गांव में बिजली की तरह खबर फैलती है कि सनिचरी धरने पर बैठ गई है प्रधान जी के दुआरे। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रेमचंद कहे जाने वाले कहानीकार शिवमूर्ति की कहानी कसाईवाड़े की शुरुआत कुछ ऐसी ही होती है। फिलहाल जिले में यह खबर बिजली की तरह फैलनी अभी बाकी ही लग रही है कि यह नाटक विश्व स्तर पर आयोजित होने जा रहे थिएटर ओलंपियाड में जनपद का प्रतिनिधित्व करेगा। नाट्य ओलंपियाड में आमंत्रित किए गए रंगकर्मी निर्देशक अभिषेक पंडित कसाईवाड़े के जरिए जनपद की साहित्यिक सांस्कृतिक विरासत की पताका बुलंद करेंगे। सूत्रधार संस्थान इस नाटक की तैयारियां इस तरह से कर रहा है कि एक भी चूक होने न पाए, मंच आजमगढ़ लूट ले जाए। और उसी सिलसिले में रविवार से संस्था ने नाटक का मंची अभ्यास शुरू कर दिया है। मंचन की मेहनत अभ्यास प्रस्तुति में भी बखूबी दिखी, आप भी देखिए। आपकी पर्सनल फाइल निकाल कर पढ़ी है मैंने। नक्सलपंथी, नार्किस्ट, टेररिस्ट, इंस्पेक्टर, मुझे कॉन्फिडेंशियल फाइल की एंट्री मत सुनाओ। बताओ मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ये मत भूलिए कि यही बात याद रखने की करो। चवन्नी की टोपी पहनकर हमसे बदसुबानी थानेदार की वर्दी को आंख दिखाता है। ठीक, याद रखने की बात करता, सारी उम्र के लिए याद न करा दिया तो सरकार की नीतियों के खिलाफ तुम, डेमोक्रेसी के खिलाफ तुम, अंतरजातीय विवाह के खिलाफ तुम, देश के लिए खतरनाक तुम, तुम्हारे हम तुम्हारे घर से गांजा हम निकालेंगे, अफीम हम निकालेंगे, शराब हम निकालेंगे, छोकरी हम बारीकी से एक इंस्पेक्टर हल कर सकता है, उतना 10 डीएम भी मिलकर नहीं कर सकते। बेशक कहावत भी है कि जेकर काम वही से होए गधा का है कुकुर से होए। हुजूर हुजूर ने परधमा के फांसी दे दे। तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगा, तू
तू ये अंदर खत्म कर, हम सच गए हैं, हम रुकमती समेत बाकी सब बिटियन को आएंगे। ना तू ये अंदर खत्म कर, अमन सर ना थोड़ा तो आज तू कब हमसे नहीं देखा जाता भाई, मान बिल्कुल ना। नीरज जी गए हैं सर, मातृजी जी को लाने। अरे ठुकरे पहले मंसन तोड़ देंगे तो काम को दिखाएंगे। बिल्कुल ना, नाटक में सब कुछ है, फिलहाल जो एक कमी है वह उत्प्रेरकों की है, तालियों की है। 16 मार्च को यह नाटक ओलंपियाड के मंच से आजमगढ़ की तरफ से मंचित होगा। मैचों और फिल्मों से कहीं ज़्यादा हमारी प्रतिष्ठा का सवाल बना है यह नाटक, जिसे अब बस जरूरत है, दरकार है हमारे आपके प्रोत्साहन की। हमारे दल से पिछले 15 साल में 400 से कई युवा प्रशिक्षित हुए और फिल्म जगत, टीवी सीरियल जगत और रंगमंच जगत या साहित्य के अन्य विधा में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। आज उसी क्रम में एक उपलब्धि हमारे पास है। भारत सरकार 8वें विश्व थिएटर ओलंपियाड का आयोजन करा रही है, जिसमें हम लोग प्रतिभाग कर रहे हैं। विशेष श्रेणी में हमें आमंत्रित किया गया है। 16 मार्च को दिल्ली में हमारा यह नाटक जो कसाईवाड़ा है, इसका मंचन होना है। उसके हम लोग रिहर्सल कर रहे हैं पिछले 1 महीने से, अभी 1 महीने तक और करेंगे। ये अभ्यास प्रस्तुति थी, रिहर्सल की प्रस्तुति थी, ये नाटक नहीं था। ये हम अपने आप को जज कर रहे थे कि क्या क्या कमियां हम में हैं, दूर करें, और आज बहुत कुछ हमने हासिल किया थी हमारी। लेकिन फिलहाल ये अगले 2 दिनों तक इसकी प्रस्तुतियां होनी है। अभी शाम को 6 बजे होनी है, इसके बाद कल फिर 3:30 बजे यहीं शारदा टॉकीज में, फिर शाम को 6 बजे, फिर परसों भी 3:30 और 6 बजे इसकी प्रस्तुति रखी गई है। जनपद के जो भी रसिक लोग हैं, जिनको नाटक कला, चित्रकला या रचनात्मक कार्यों में जिनका मतलब मन लगता है, उनके लिए प्रस्तुति रखी गई है। इसके लिए कोई आमंत्रण नहीं बांटा जा रहा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने आजमगढ़ के लोगों से आह्वान करूंगा कि यह प्रस्तुति जो आपके शहर से ओलंपियाड में जा रही है, इसको आकर देखें, अपनी सलाह दें, अपने सुझाव दें, ताकि हम सुधार कर सकें, ताकि दिल्ली में हम आजमगढ़ का नाम कायदे से मतलब परचम। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और करलान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। सामाजिक न्याय की विसंगतियों को केंद्र में रखकर कहानी गुलैची पर यह परिचर्चा रविवार को तमसा प्रेस क्लब के सभागार में आयोजित की गई। कथाकार हेमंत कुमार की कहानी गुलैची पर यह परिचर्चा जन संस्कृत मंच और दैनिक देवव्रत के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की गई। मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए गाँव के लोक पत्रिका के संपादक रामजी यादव ने कहा कि यह कहानी सामाजिक न्याय के स्वर बुलंद करने के साथ साथ भाषा और बुनावट के लहजे से भी काफ़ी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जयप्रकाश नारायण ने कहा कि गुलैची सामाजिक न्याय के अंतर्विरोध को रेखांकित करती है। यदि सामाजिक न्याय समानता तक नहीं जाता है तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। परिचर्चा को आलोचक कल्पनाथ यादव, मूलचंद सोनकर, रविंद्रनाथ राय, रामकुमार यादव, अरविंद रामबदन यादव, डॉक्टर बद्रीनाथ ने संबोधित किया। परिचर्चा का संचालन वरिष्ठ पत्रकार विजय कुमार के द्वारा किया गया। अंततः गुलैची की लड़ाई, खुद गुलैची अपने मुंह से अपनी लड़ाई को स्पष्ट करते हैं। बाबू मैं आपकी खोई हुई आबरू को प्राप्त करने के लिए, आपकी प्रजा और आपकी खोई हुई आबरू को प्राप्त करने के लिए मैं लड़ाई करते हैं। तो भाई साहब, अगर आप हेमंत जी गुलैची के साथ हैं तो मैं आपके से आसानी से। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर,
गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कल्याण मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 2018-19 की वार्षिक कार्ययोजना बनाई जा रही है। 5 फरवरी से काम शुरू हो गया है, जो 7 फरवरी तक योजनाबद्ध तरीके से कर लिया जाएगा। विकास भवन के सभागार में यह वर्कशॉप उसी सिलसिले में आयोजित की गई है। यूनिसेफ के सहयोग से आयोजित हो रही इस 3 दिवसीय कार्यशाला में समस्त सहायक विकास अधिकारी, पंचायत व खंड प्रेरक प्रतिभाग कर रहे हैं। यूनिसेफ की विशेषज्ञ अधिकारी अपराजिता सिंह व मंडली कंसल्टेंट यूनिसेफ प्रभात कुमार द्वारा वार्षिक कार्ययोजना बनाने में तकनीकी सहयोग प्रदान किया जा रहा है। मुख्य बात यह भी है कि कार्ययोजना में जनपद को खुले में शौच से मुक्त बनाने हेतु विकास खंड स्तर पर कौन कौन सी गतिविधियां व कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे की भी रणनीति बनाई जा रही है। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कल्याण मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। आपके शहर आजमगढ़ में गद्दों का शानदार शोरूम स्लिप बेल गैलरी, प्रथम तल, खतरी टोला, चौक से पश्चिम, आजमगढ़। स्लिप बेल गद्दों की सभी रेंज उपलब्ध। आर्थों के साथ लग्जरी गद्दे एवं 9 प्रकार के स्लिप बेल पिलो कुशन का विशाल शोरूम, साथ ही साथ फैंसी एवं डिजाइनर पर्दे, कारपेट्स, रनर और बॉम्बे डाइंग बीव्स, पोर्टिको की चादरें एवं सोफा रनर बाजार से कम दाम में उपलब्ध। अपने आशियाने को देना हो नया लुक, त्योहारों पर करनी हो खरीदारी या शादी विवाह की हो तैयारी, तो पहुंचिए स्लिप बेल गैलरी, प्रथम तल, खतरी टोला, चौक से पश्चिम, आजमगढ़। Knowledge is power. We give power to your child. We are Paradise International School, Azamgarh. We provide 360-degree smart classes, digital library, indoor and outdoor games for physical and intellectual growth of students. A special training in the field of athletics. Admission open for playgroup to class 8, Paradise International School, Kendri Vidyalaya Road, Hirapatti, Azamgarh. Aradhya Jewelers, Agrasen Degree College ke samip, Katra Saray, Azamgarh. Shadi ke gehne, party ke gehne, diamond ke gehne, to sone chandi ke gehne. सब कुछ एक ही दुकान पर, आराध्या ज्वेलर्स, अग्रसेन डिग्री कॉलेज के समीप, कटरा सराय, आजमगढ़। 100% हॉलमार्क ज्वेलरी, अरबी डिजाइन के डायमंड सेट, चांदी के बर्तन तो रत्नों का भंडार भी। राजकोट, बॉम्बे और दिल्ली के आभूषण भी चाहिए तो चले आइए आराध्या ज्वेलर्स, कटरा सराय, आजमगढ़। 94-15-83-15-29। Sunbeam School Azamgarh, which aims for quest for excellence. Registration open
admission forms are available. Sunbeam School Azamgarh is powered by Sunbeam EduServe. रूपाली डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड लाए हैं आजमगढ़ का पहला ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट रूपाली पर्ल हाइट्स अपार्टमेंट। महानगरों की तर्ज पर बन रहे रूपाली पर्ल हाइट्स अपार्टमेंट का मानचित्र आजमगढ़ विकास प्राधिकरण से स्वीकृत है। शहर के मेन रोड नरोली पर बन रहे ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट में कमर्शियल दुकानें 2 BHK और 3 BHK के फ्लैट की बुकिंग हो चुकी है ओपन। अपार्टमेंट में मिलेगा आपको क्लब, एयर कंडीशन जिम, 3 हाई स्पीड लिफ्ट की सुविधा, सभी फ्लोर पर CCTV सिक्योरिटी सिस्टम, 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड, पार्टी और फंक्शन के लिए कवर्ड बैंक्वेट हॉल, बेहतरीन लोकेशन एवं पार्किंग की सुविधा, आसान मासिक किस्तों पर बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध। करिए अपना सपना साकार, शहर में बताइए अपना आशियाना। फेस्टिवल ऑफर के साथ बुकिंग के लिए संपर्क करें रूपाली डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, काली चौरा तिराहा, रैदोपुर, आजमगढ़। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, नरौली, आजमगढ़। जिले के पहले मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रामा सेंटर में जनरल व लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर अमित सिंह, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर खुशबू सिंह, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कलीम, न्यूरोसर्जन डॉक्टर विपुल टंडन, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनय कुमार चौहान दे रहे हैं अपनी सेवाएं। वेंटिलेटर युक्त ICU, NICU, दूरबीन विधि से पित्त की थैली, अपेंडिक्स के सफल ऑपरेशन की अत्याधुनिक सुविधा, वेल इक्विप्ड डायग्नोस्टिक लैब, एक्सरे, ECG, ब्लड एंड यूरिन टेस्ट फैसिलिटी, एम्बुलेंस एंड इमरजेंसी सर्विस अवेलेबल 24 आवर्स। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, नरौली, आजमगढ़। प्रताप डायग्नोस्टिक सेंटर, अ कंप्लीट डायग्नोस्टिक सेंटर, सिविल लाइन, आजमगढ़। शरीर की जांच के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं, महानगरों जैसी सुविधा अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। MRI ऑफ ब्रेन, स्पाइन, बॉडी एंड ज्वाइंट, सिटी स्कैन, मल्टी स्लाइस होल बॉडी सिटी स्कैन, हाई रेजोल्यूशन अल्ट्रासाउंड, डॉपलर स्टडी, डिजिटल एक्सरे, कार्डियक टेस्ट, 2D इको, डिजिटल TMT, डिजिटल ECG, ऑल्टर मॉनिटरिंग, मेमोग्राफी, OPG, PFT एंड पैथोलॉजी। एम्बुलेंस फैसिलिटी आल्सो अवेलेबल ओनली एट प्रताप डायग्नोस्टिक सेंटर, सिविल लाइन, आजमगढ़। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध।